big. It must be five. तेरा जन जी सुकून मेरा है, मेरे हर एक साइन दे हक तेरा है। जी कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनाल खान की और एहसान खान की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मीनाल खान और एहसान खान ने अपनी शादी की हर तरह की तस्वीर और वीडियोस अपने मदाहों के साथ शेयर की और शादी के बाद से भी सोशल मीडिया पर दोनों काफी एक्टिव हैं। एहसान खान वक्फे वक्फे से मीनाल की वीडियोस बनाकर अपने मदाहों के साथ शेयर करता नजर आया। चलिए बताएं आपको कैसा लग रहा है एक हफ्ते बाद शादी के? तो बताते चले, शादी के दो दिन बाद जब मदाहों ने एहसान खान से सवाल किए कि वो हनीमून पर कब और कहां जा रहे हैं, तो एहसान खान का कहना था बहुत जल्द। दूसरी तरफ मीनाल खान का भी ये कहना था कि वो कुछ अरसे के लिए इस इंडस्ट्री को छोड़ रही है और एहसान खान के साथ अपनी जिंदगी इंजॉय करना चाहती है। मीनाल खान ने अपनी शादी पर मेहंदी का फंक्शन नहीं किया और जराये से ये बात सामने आई कि मीनाल खान की शादी पर ईमन खान की शादी से कम फंक्शन इसलिए हुए क्योंकि मीनाल खान इन फंक्शंस में एक्स्ट्रा पैसे लगाने की बजाय एहसान खान के साथ बेशुमार मुल्कों में घूमना चाहती थी। तो मीनाल खान का हनीमून शुरू हो चुका है। मीनाल खान सबसे पहले एहसान खान के साथ हनीमून के लिए बेल्जियम पहुंच गई, जिसके साथ साथ तमाम तस्वीरें और वीडियोस मीनाल खान और एहसान खान अपने मदाहों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मीनाल और एहसान के हनीमून की तमाम तस्वीरें देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तमाम तस्वीरें देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मीनाल खान और एहसान खान के हनीमून से आने वाली ये पहली तमाम तस्वीरें और वीडियोस कैसी लगी। बहुत जल्द आप लोगों के साथ मीनाल खान और एहसान खान के हनीमून की मुकम्मल वीडियो भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। क्या बोल रहे हैं आप? अभी बताऊं सबको के इतना डर लग रहा था तुम्हें शादी से। तुमसे डर ही तो लगेगा। तुम्हें लग रहा था मैं भाग जाऊंगी शादी अगले दिन? मुझे लग रहा था मैं भाग जाऊंगा। चलिए बताएं आपको कैसा लग रहा है एक हफ्ते बाद शादी के? वैसे ही जैसे एक हफ्ते पहले लग रहा था। अच्छा।